राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी रीडिंग है, ये काफी लोग इस वक्त पर परेशान हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, या बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं उनके मन में। मैं नहीं जानती कि यहाँ पर ये रीडिंग किसके लिए है। मतलब आपके मन के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं, वो उनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये पूरी की पूरी रीडिंग ही आप पे आपको रेजोनेट करे। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसलिए आप उसी तरह से इसे लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपने बारे में हर चीज जाननी है प्रॉपर तरीके से, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं कि देखते हैं कि काफी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। मैं उन्हीं पर फोकस करके आपकी एनर्जी निकालने वाली हूँ, आपके लिए कार्ड्स निकालने वाली हूँ। तो देखते हैं कि आपका फोकस और आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त पर। काफी चीजें ऐसी भी हैं जो मन तोड़ देने वाली हैं, और काफी चीजें ऐसी भी हैं जो आगे बढ़कर आपको अपने आप को, मतलब अपने आप को दुनिया में प्रूव करने की भी है। तो इस वक्त पर जो चीजें घटित हो रही हैं, उनके आधार पर मेरी ये रीडिंग है। तो आपके साथ क्या रेजोनेट होता है, देखते हैं। मैं जो देख रही हूं यहां पर, कुछ काफी लोग ऐसे हैं जो काफी अच्छे तरीके से इनर वर्क में, मतलब अपनी अवेकनिंग में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा के सार को, मतलब इस दुनिया में होने ना होने के कारण को अच्छे तरीके से जान लिया है। अच्छे तरीके से जान लिया है। द हर्मिट और द हेरोपंत इकट्ठे आए हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं यहाँ पर, जो खासकर देख रहे हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है, अपनी मेहनत पर काम किया है, और काफी अच्छे तरीके से अपने इनर वर्क को कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने अपने आप को खोजा है, अपने अंदरूनी सही और गलत को समझा है, जिन्होंने अपने आप पर, अपने मन के ऊपर अहंकार की परत को निकालते हुए उस ज्ञान की रोशनी में अपने आप को लेकर आए हैं, जिस ज्ञान की रोशनी में आपके जो भी पास्ट कर्मा, लाइफ के जितने भी कर्मास हैं, उन पर आपने क्लींजिंग, मतलब पानी फेर दिया है। तो यहां पर मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलकर जो अपनी आत्मा को उजागर करते हैं, जो अपनी आत्मा की, अपने प्रकाश को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और बड़ी ही स्थिरता से उस पर काम करते हैं। और जब ये लोग अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स कहता है कि, मतलब जब ऐसे लोग अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उस वक्त पर उनको कभी भी एक होता है ना कि बेसब्र होना। मैं यहां पर देख रही हूँ, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी जो मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिसके सामने ये वीडियो पॉपअप होगी, तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। ये आप अपने आप से रेजोनेट कर सकते हैं कि क्या मैसेज है। तो ये यहां पर जो जितने भी ये लोग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही, कहते हैं ना, पका हुआ फल, उस तरीके की एनर्जी है। यहाँ जो इस वक्त पर ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें, अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें को झेला है, बहुत सारे ऐसे पड़ाव पार किए हैं, जहां पर उन्होंने अपने अंदर ज्ञान की रोशनी को बढ़ाया है। और बड़े ही इस वक्त पर उस ज्ञान की रोशनी को आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने अपने अंदर जो एक दृढ़ संकल्प लिया है, अपने आप को उजागर, मतलब प्रकाशित करने का, अपने आप पर काम करने का, अपने आप को ऊपर उठाने का। मतलब कई बार ऐसा होता है कि काफी लोगों के फोकस हट जाते हैं, और वो दुनियादारी के पंजों
पंगों में पढ़कर फिर दोबारा से उन चीजों को समझ नहीं पाते। लेकिन जो इस वक्त पर मैं देख रही हूँ, ये उन लोगों की रीडिंग है जिन्होंने अपने आप पर इतना अच्छा इनर वर्क किया है कि अब वो अंदरूनी तौर पर, अंदरूनी तौर से, ऐसा नहीं है कि अंदरूनी तौर से नहीं, अंदरूनी तौर से इतने परिपक्व हो चुके हैं, मतलब इतने सॉलिड हो चुके हैं कि उनको सही और गलत के मायने समझ आने लगे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप पर इतना अच्छा वर्क किया कि उनके जो पास्ट लाइफ के कर्मा हैं वो रिलीज हो चुके हैं, आई होप, या फिर रिलीज हो रहे हैं बहुत जल्दी। जैसा कि मुझे फील हो रहा है कि ये रीडिंग देखने वाले जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, इनकी जो पास्ट लाइफ की एक साइकिल थी वो कंप्लीट होने पे, मतलब उन्होंने उन कर्माज पे बहुत अच्छे से काम किया, अपने आप को एक लाइट वर्कर की तरह, या फिर आप नेचुरली हीलर, मतलब एक होता है ना कि अंदरूनी तौर से अपने आप वो चीजें, एक शक्ति का आवाहन होना आपके अंदर, वो चीजें हैं कि आप किसी के पास बैठते हो या आपको कुछ भी जब बात करते हो तो आप किसी को सर्व करते हो, अपनी बातों से भी, अपने ओरा से भी आप लोगों को सर्व करते हो, और इसी वजह से आपके जो कर्माज हैं, जो पास्ट लाइफ कर्माज हैं, अभी तक जो क्लीन नहीं थे वो क्लीन हो चुके हैं, या फिर 1 वीक 1 मंथ के अंदर वो क्लींजिंग, प्रॉपर तरीके की क्लींजिंग होने जा रही है आपकी, क्योंकि आपने अपने गुरुओं से जो ज्ञान लिया या जो गुरु आपकी लाइफ में आए उनको आपने, मतलब उस चीज पर, हर चीज का दायरा तोड़कर अपने गुरुओं पर पूरी तरह से, जिसने भी आपको पाठ सिखाया, मतलब गुरु कौन होता है जो हमें लेसन सिखाते हैं, हमारी लाइफ में हर इंसान एक गुरु है, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कोई ना कोई आता है तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान हमारा दुश्मन है, बुरा है, ये है, वो है, कार्मिक है, थर्ड पार्टी है, लेकिन वो थर्ड पार्टी या वो दुश्मन जो भी है, उसने आपका हमेशा गुरु की तरह आपके ज्ञान को बढ़ाने में आपकी मदद की, उन्होंने आपको जो लेसन्स दिए वो आपके अवेकनिंग के लिए थे, आपके बुरे के लिए नहीं थे। इसलिए हर इंसान को आपने माफ करके, हर इंसान को आपने माफ किया और अपने अंदरूनी रोशनी को कायम करते हुए आप आगे बढ़े हैं, जिसकी वजह से अब यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है। देखा, यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, और वो जो अब आपको देने वाले हैं वो पता क्या है, यूनिवर्स का वो प्यार जिसे लेने के लिए जन्मों जन्मों के पड़ाव आगे, मतलब पड़ाव पार करने पड़ते हैं, तो यूनिवर्स ने आपको ये देने का फैसला किया है। यूनिवर्स आपको प्रेम देना चाहता है, अपना प्रेम, परिशुद्ध प्रेम, किसी मटीरियलिस्टिक दुनिया से, इस संसार से, किसी मटीरियलिस्टिक लव की यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर प्योर यूनिवर्स का प्यार आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि आपके कर्माज रिलीज हो रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा आ रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको मिलेगा, आपका प्रेम, आपका पैसा, आपकी हर ऐसी डिजायर्स, जिस डिजायर्स को आपने मार दिया, जिस हर इच्छा को आपने मार दिया, अपनी इच्छाओं को खत्म किया, और कहीं ना कहीं ये चीज आप जानते हैं, ये चीज आपने हासिल की है, आपको मालूम है कि ये सारी चीजें मेरी लाइफ में, इस मतलब आपने जो अपनी लाइफ का एक लॉन्ग पीरियड पार किया है, वो पीरियड किस तरह से आपको अवेकनिंग में लेके गया, या क्या क्या आपके साथ हुआ, किस तरीके से आपने हर पड़ाव को पार किया, ये सारी चीजें आप जानते हो, और कहीं ना कहीं ये इस वक्त की जो सिचुएशन है, हो सकता है कि इस वक्त पर ऐसी सिचुएशन बनी हो, आपको लगता हो कि चीजें खराब हैं, कुछ चीजें हमें सर्व नहीं कर रही, या फिर कुछ भी ऐसी जो दिमाग को परेशान नहीं कर रही, जो लाइफ को, मतलब फिजिकल लाइफ में एक ऐसा जो दिखने में कुछ और अंदरूनी तौर पे कुछ और, तो इस वक्त पर वो चीजें जो आप
आप जागृत हैं, आपको मालूम है कि क्या होने वाला है, आपको मालूम है कि क्या होगा, या आप इस फेथ में हैं, आपको सब इस चीज की इंट्यूशंस है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज का वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको अभी यहां पर अपनी तरफ से आपका मन कहता है कि अभी मुझे यहां पर कुछ नहीं, अपना मतलब अपना कोई रोल अदा नहीं करना, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, तो वहां पर अभी आप सर्व नहीं कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपको लगता है कि अभी चीजों पर सर्व मुझे नहीं करना। आपने जो जस्टिस, आपके मन के अंदर जो जस्टिस या आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, आपको लगता है कि मुझे वो चीजें नहीं चाहिए, वो चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि आपके मन के अंदर वो रोशनी है जिसमें आपको मालूम है कि आपने अपनी लाइफ में किसी को क्या दिया है, किस तरीके से दिया है और कैसा आपने बिहेव दूसरों के साथ किया है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं अपने आप से, आपने अपने आप को वहां पर पाया है जहां पर आप मतलब एक इंसान अपने आप पर प्राउड तो कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद होता है ना कि खुद को ऐसा लगना कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, लेकिन फिर भी उस कमी के बावजूद भी आपको लगता है कि मन कहता है नहीं, कमी कुछ नहीं रही है, अब जो फल खाने हैं मुझे उसके लिए यूनिवर्स का वेट है, क्योंकि आपने जो देना था एक मनुष्य तत्व में होकर आपने मनुष्यता को पूरी तरह से निभाया, मानवता को पूरी तरह से जिस तरीके से आप निभा सकते थे आपने वो मानवता निभाई, सब किया, लेकिन अब आपको उस चीज का मतलब जितना आप कर सकते थे किया, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे चाहिए यूनिवर्स का इसमें इंटरफेयर चाहिए, मेरी लाइफ में यूनिवर्स का इंटरफेयर चाहिए, मुझे सामने से चीजें क्या हो रही हैं उस चीज पर मुझे जस्टिस चाहिए लगा लो, या फिर लगा लो कि जिस भी चीज को जिस तरह से भी आप सोचते हो कि मुझे इस तरह से नहीं इस तरह से चाहिए, लेकिन अब यूनिवर्स आप आओगे तो ही होगा, मैं यहां पर अब कुछ नहीं करने वाली या करने वाला, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, हम अब देखते हैं कि क्या है, क्या कोई सोच रहा है, क्या चल रहा है आपके मन के अंदर, आपको बिजनेस चाहिए, लव लाइफ चाहिए या ओके। तो हम पहले देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो कि आपने इतना सर्व किया, इतना प्रेम दिया, इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी कहां क्या कमी रह गई जो अभी भी आपको वेट करना पड़ रहा है। ओके, किस वजह से ऐसा हो रहा है, आप अपने पूरे लक्ष्यों की तैयारी में प्रॉपर तरीके से आप खड़े हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन उदास है किसी वजह से। ओके, अभी हम देखते हैं कि क्या वजह है, क्या चाहते हैं आप। हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं, काफी अच्छे कार्ड्स आए हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, कर्मास रिलीज हो रहा है और काफी हद तक कर्मा क्लीन हो रहा है, और जिस चीज का आपको रिजल्ट चाहिए वो शनि देव, यहां पर आप यही कह सकते हैं कि आपको कर्म फलदाता कर्म देने की तैयारी में है, आपके कर्मों का फल देने की तैयारी में है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, आप सोच रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, काफी लक्ष्य जो आपके मन के अंदर, जो आपने अपने रिलेशनशिप में, अपने प्रेम में जो चीजें सोची थी उनको आपने बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया, सब कुछ किया, लेकिन अंधविश्वास भी किया, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि कहीं मैंने अंधविश्वास तो नहीं कर लिया, जिस तरह से मैंने सर्व किया था मुझे वैसा कुछ नहीं मिला, तो लेकिन यहां पर यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ, आप अगर ऐसा कुछ भी सोच रहे हो, आपके माइंड में चल रहा है कि आखिर क्या हुआ कि आपके रिलेशंस खराब हो गए, आखिर क्या वजह है कि ये चीजें हुई, तो आखिर क्यों हुई, किस लिए हुई, किन मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं,
आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारा सर्व किया, सबको सर्व किया, लेकिन जिस चीज की आपको चाहत थी अभी तक वो आपको नहीं मिली, जिस प्रेम की आपको चाहत थी आपको नहीं मिला, आपने अपनी तरफ से हर किसी को बहुत प्रेम दिया, अपने रिलेशंस में आपने बहुत ज्यादा जो भी देना था दे चुके, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वही चीज नहीं है जिसके लिए आपने दिया। सेवन ऑफ कप्स, आखिर हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो आया है वो है फाइव ऑफ कप्स। चीजें चेंज हो रही हैं, आपके इमोशंस, आपकी हर चीज, आखिर क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। हम एंजल से पूछते हैं कि अगर आपने इतनी प्योरिटी से अपने रिलेशंस को निभाया, अपनी इतनी प्योरिटी से आपने अपनी जर्नी को निभाया, इतनी प्योरिटी से आपने सब कुछ किया, तो लेकिन ऐसा क्या था, क्या था ऐसा, किस लिए ऐसा हुआ कि आपको वो प्रेम नहीं मिला, और क्या वजह थी ऐसी कि आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अपनी तरफ से तो आपने बहुत कुछ किया था। ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, कुछ चीजें टूटी, खराब हुई, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो आपको दिखता है कि बिल्कुल तहस नहस हो गई हैं। आपने अपनी साइड से कितना भी दिया लेकिन सर्व नहीं हुआ आपको, लेकिन क्यों हुआ, ये चीजें टूटी, किस लिए टूटी, क्यों तोड़ी गई। ब्लॉसम अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, आप निराश मत हो, कुछ चीजें हुई हैं लेकिन क्यों हुई हैं। ओके, द यूनिवर्स कहते हैं कि अगर कुछ चीजें खराब हुई हैं तो वो कुछ नया करने के लिए, क्योंकि आपका फोकस्ड, आपके जो लक्ष्य थे, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस थी, वो जितनी भी थी वो सारी चीजें आप भूल रहे हो। कहीं ना कहीं याद कीजिए, आपने अपनी लाइफ के लिए क्या सोचा था, कैसी सोची थी, उन चीजों पर आप फोकस ना करके कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान दे रहे हो जो लगातार आपको एक ही पैटर्न में बार बार घुमा रही हैं, बार बार एक ही पैटर्न में चला रही हैं, जिसकी वजह से चीजें आपको दिख रही हैं कि खराब हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो मन टूटा है, मन टूट चुका है अच्छे तरीके से, ब्रोकन हार्ट। ओके, तो यहां पर अभी हम निकालते हैं कि आखिर आपने सर्व किया, सब कुछ किया, लेकिन ये जो सिचुएशन बनी आपकी लाइफ में, ये जो सिचुएशन बनी आपकी लाइफ में, आपका दिल तोड़ा गया, आपने बहुत अच्छा सर्व किया था, सब कुछ किया था, आपको जस्टिस मिलने वाला है, लेकिन ये हुआ क्यों, किस कारण से हुआ। यूनिवर्स कहते हैं आप अपने अबंडेंस पे, अपने लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए। तो क्या काफी लोगों के, क्योंकि यहां पर ये जो एनर्जी है चीजें खराब होने की, टूट जाने की, दिल टूट चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये क्या जुड़ेगा, क्यों हुआ। अगर हमने हमेशा सच्चाई से हर चीज की तो फिर क्या दिल टूटना जरूरी था। आखिर क्या वजह रही, किस वजह से, क्या किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी ब्लैक मैजिक की वजह से। तो किस वजह से ये हुआ, किस कारण से ये चीजें बनी हैं ऐसी जो हमारा ही मन तोड़ गई। अगर हम अपने लक्ष्यों पर, हम अनकंडीशनल लव में हर किसी को सर्व कर रहे थे, तो उसके बावजूद भी चीजें, हमारा ही मन क्यों टूटा, हमारे ही साथ ऐसी चीजें क्या हुई, क्या किसी थर्ड पार्टी में, किसी थर्ड पार्टी ने ऐसा किया, क्या किसी के कारण ऐसा हुआ, क्यों हुआ ये, किस लिए हुआ। प्लीज एंजल्स, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, लग्जरी लाइफ, यहां पर किसी एक लेडी का हाथ है जिसे बहुत ही प्रेम है अपने पैसे से, ये कर्मा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है किसी के साथ। ये कोई ऐसी लेडी है
जो थर्ड पार्टी है जिसे पैसे से बहुत प्यार है, लेकिन यहाँ पर उनके जो कर्माज थे उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट था, जो चीजें हुई वो पूरा नहीं हुआ अभी तक, या फिर वो पूरा होने जा रहा है। यहां पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट था किसी को देने का, जैसे हमारे पास्ट लाइफ से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं कुछ लेने और देने के, जिसे हम कार्मिक कहते हैं, थर्ड पार्टी कहती है। ये हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, ये हमारे हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ये हमारे घर के फैमिली के या आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारा किसी के साथ संबंध इस हद तक बनाया जाता है कि जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर पड़ती है, मतलब कुछ ऐसे रिश्ते जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर लगातार दी जाती है यूनिवर्स की तरफ से, जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर भी निभाना चाहते हैं कि ये हमारे फैमिली के लोग हैं, ये हमारे ये हैं वो हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ देना लेना लगा रहता है। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक जितना इस लेडी को चाहिए नहीं तब तक वो चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, और ये चीजें अब आने वाले टाइम में खत्म होने जा रहा है उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ। वाओ द थिंकिंग मैन, इस वक्त पर आपके जो पर्सन है या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी जो सोच है लगातार आप पर, उनका फोकस आप पर है, लगातार वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको मतलब भले ही आपके पास वो है नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस पर्सन का जो फोकस्ड है सिर्फ अपने ही मतलब एक यूनिक पर्सन पे है, मतलब आप पर है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो। अगर आप मतलब ऐसा सोच रहे हो कि कुछ चीजें, यहां पर मूलाधार चक्र फर्स्ट चक्रा किसी का ब्लॉक है, फर्स्ट चक्रा पे काम कीजिए, या फिर फर्स्ट चक्रा पे काम हो रहा है, एंजल समय बता रहे हैं, लेकिन ये किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से किसी को, जैसे कि कोई फाइनेंसर है, उससे आपने किसी से पैसा लिया और उस पैसे से वो पैसा अपना किसी भी कर्म के रूप में आपसे लेने आएंगे ही आएंगे, है ना, तो वो लेके ही रहेंगे, तो वो चीजें अब इस वक्त पर हो रही हैं। यूनिवर्स कहते हैं, एंजल्स कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब आपका कुछ ही टाइम के लिए है, बस बहुत ही जल्दी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, और उसके बाद आपको वो आपका जो ट्रू लव है वो आपको दिया जाएगा, क्योंकि जब तक हम अपनी एक साइकिल कंप्लीट नहीं करते तब तक हम अपनी सेकंड साइकिल को स्टार्टअप नहीं कर पाते। तो हम यहां पर ये भी देख लेते हैं, ओके, तो क्या हम देखते हैं कि क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है आपके रिलेशंस में, क्या किसी ने नजर लगाई है, किसी की नजर है आप पर, क्या वजह है कि इतना अच्छा सर्व करने के बावजूद भी प्रेम प्यार में, वाओ, यस 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 यस, काफी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर डेविल एनर्जी है, बहुत से ऐसे लोग जिनके ऊपर डेविल एनर्जी है, स्पेल्स किए गए हैं, ब्लैक मैजिक किया गया है, ताकि आप इस रिलेशंस को यहीं पे रोक दिया जाए, इस रिलेशंस को रोकने के लिए डेविल एनर्जी का काम किया गया। यहां पर किसी ने अपनी नजर लगाई, स्पेल्स किए, या कुछ मैजिक करके, या कुछ बार बार अटैक करके आपके संबंधों को, आपके रिलेशंस को खराब करने की कोशिश की गई है यहां पर। लेकिन यूनिवर्स कहते हैं कि आप स्टार हो, जिस भी इंसान ने आपके रिलेशंस को खराब करने के लिए, आपके रिलेशंस को खराब करने की सोची भी है, या छोटे छोटे स्पेल करके, या बड़े बड़े मैजिक करके, या ब्लैक मैजिक करके इसको रोकने की कोशिश की है, तो भूल जाइए, उस इंसान को भूल जाइए, माफ कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंसान सिर्फ अपनी बेवकूफियों से, सिर्फ अपनी बेवकूफियों से अपने कर्माज बना रहा है। आने वाले वक्त में उस इंसान के साथ, कुछ अच्छा नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ को आप बरकरार रखिए, आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि ऐसी चीजों से आप मुकाबला
मुकाबला तो ऐसी चीजों का क्या है, ये चीजें आपको देखकर बाहर से ही निकल जाती हैं। थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी टेंशन होती है, क्योंकि सिंगल आप नहीं हो, आपकी फैमिली के लोग भी आपके आसपास रहते हैं। आप जहां पर रहते हो वहां पर एक अकेला इंसान नहीं रहता। जिस पर ये किया गया उस पर तो वो काम नहीं किया, लेकिन आसपास प्लस उनकी फैमिली, जैसे आपकी फैमिली या आपके घर में कोई है जो आपके साथ रहते हैं या ये वो, तो उनको आपको डिस्टर्ब करने के लिए वो चीजें की गई, ताकि ये चीजें आपको परेशान करें और आप इनमें से निकल ना पाओ, और किसी तरीके से ये चीजें इस तरीके से और रुक जाएं। हैंग्ड मैन मतलब ये चीजें सिर्फ यहीं पे, सिर्फ इस सर्व करना ही बंद कर दे, मतलब सिर्फ आपको सोच विचार में ही रहने दें कि है नहीं है, है नहीं है, ऐसी चीजों में उलझाया जाए, और अपने 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 आपकी अबंडेंस, आपकी हर चीज को स्टक कर दिया जाए, स्टक कर दिया जाए, बिल्कुल स्टक कर दिया जाए। किसने किया है ऐसा, क्यों किया है ऐसा? दमून, मून, द मून ये कहता है कि जो भी ये पर्सन है, इसकी जन्म पत्री में ये मून से रिलेटेड, इस पर जो इसके भाव है या जो इसके लक्षण है वो मून से प्रभावित होते होंगे। ये काफी इंसान नेगेटिविटी में जाता होगा और पॉजिटिविटी की तरफ भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो होता है ना कि स्पिरिचुअल तो हैं हम, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को जानते ही नहीं कि स्पिरिचुअल होना क्या होता है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये लगता है कि हम तो स्पिरिचुअल हैं, ये है वो है, हाई वाइब्स में है, लेकिन कई बार कईयों का भ्रम भी होता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, जिस इंसान को अपनी मनुष्यता, अपनी मानवता को संभालने का, समझने का समझ ही नहीं है, उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। अगर आप एक अच्छे मनुष्य, अगर आप एक अच्छे मानव बन सकते हैं, तो तभी आप, मतलब अगर आप एक अच्छे मनुष्य तत्व में ही रहते हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं। भगवान ये नहीं कहता कि आप भगवान बन जाओ तो आप स्पिरिचुअल हैं, भगवान ये कहते हैं कि आप अच्छे मनुष्य बन जाओ। ऐसा मनुष्य, ऐसा मनुष्य जिसके अंदर प्रेम, प्यार, हर चीज नेचुरल तरीके से हो, बनावटी तरीके से नहीं हो, जिसके अंदर ये चीजें भरनी ना पड़े, जिसके अंदर ये नेचुरल हो, आपके अंदर दया हो, आपके आंसू सिर्फ अपने दर्द के लिए ना निकले, आपके आंसू किसी के दर्द भरे इंसान के लिए भी निकले। और ये जो भी है, ये आपकी फैमिली का इंसान है, ये आपकी फैमिली का इंसान है, इसके पास सब कुछ होते हुए भी, लेकिन फिर भी ये दो लोग हो सकते हैं यहाँ पर, एक ये आपकी फैमिली का इंसान है, और ये हो सकता है कि एक एजिड है और एक नॉर्मल एज का है, एक एजिड है और एक नॉर्मल एज की लेडी है। लेकिन आपकी फैमिली के अंदर ही ये चीजें हुई हैं, फैमिली के अंदर ही किसी ने आपके साथ जेलसी के कारण ये चीजें की हैं। आप अपनी जन्म पत्रियां में, उनकी जन्म पत्री जिसके भी बारे में आपको ये समझ आ रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जिसे आप जानते हो अगर, तो आप देखिए क्या उस पे मून साइकिल का फर्क पड़ता है, मतलब उसकी जन्म पत्रिया के अंदर मून साइकिल बहुत स्ट्रोंग होगी, मतलब मून का प्रभाव उस पर बहुत स्ट्रोंगली पड़ता होगा, या उसकी जन्म पत्री के अंदर वो चीजें होंगी। ये लोग कार्मिक होते हैं, इनको खुद को नहीं मालूम होता साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें गलत कर बैठते हैं और इनको पता ही नहीं चलता। देखा, ऐसे लोगों के साथ हमेशा ये दो लोग हैं जिन्होंने भी ये डेविल एनर्जी का काम किया है, स्ट्रोंगली वाइब्स आ रही है, ये दो लोग हैं, ये दो लोगों ने मिलकर जो चीजें की हैं वो आने वाले लाइफ में उनको पर बहुत भारी पड़ने वाली हैं, उनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली हैं, उनको इतना जबरदस्त लॉस होगा अपनी लाइफ के अंदर, वो भले ही अबंडेंस हो, अपनी वेल्थ हो, अबंडेंस हो या अपनी हेल्थ हो, इन सारी चीजों का लॉस झेलने वाले हैं ये लोग। पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, जिसके पास अपनी हेल्थ नहीं है उसके पास पैसे की कोई अहमियत नहीं है, पैसा आप कितना पानी की तरह बहा दो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ और वेल्थ अच्छी नहीं है तो आप किसी के रिलेशन को नहीं तोड़ सकते। ऐसा इंसान कभी भी किसी के ऐसे रिलेशन को नहीं तोड़ सकता जो परमेश्वर ने खुद बनाया है, खुद
खुद बनाया है। आप कितनी भी नजर लगा लो, आप कितने भी साइकिक अटैक कर लो, आप कितने भी स्पेल कर लो, ये रिटर्न टू सेंडर, जिसने भी जो भी चीजें की हैं वापस चली गई हैं, चली गई हैं, उसके पास ही हैं। और अब ये उसके लिए जो लाएंगी वो क्या है, ये बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है, टावर मूवमेंट। ऐसा इंसान जिसने इस रिलेशन को, जो मनुष्य तत्व में नहीं था, जो डिवाइन तत्व में था, जो ईश्वरीय था, उस रिलेशन को उसने तोड़ने की कोशिश की, उस रिलेशन में बाधा बनने की कोशिश की। तो ऐसे इंसानों की लाइफ में ये चीजें आती ही आती हैं। वेट एंड वॉच, रिटर्न टू सेंडर, वेट एंड वॉच, रिटर्न टू सेंडर, वेट एंड वॉच, रिटर्न टू सेंडर। यस, ये आपके लिए है कार्मिक्स लोगों, ये आपके लिए है, जिन्होंने भी ये चीजें गलत करने की कोशिश की, जिन्होंने भी प्रेम आपके सच्चे ट्रू लव को, किसी भी तरह का प्यार हो, लेकिन अगर अंदरूनी तौर से, आत्मा से, जो अगर आप सच्चाई से किसी से प्यार करते हो, जिसमें कोई देना लेना नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, आपने अपना जो दिया है निस्वार्थ किसी को दिया है, अपनी प्रेम से दिया है, पारिशुद्ध प्रेम दिया है, ऐसे प्यार को तोड़ने वाले इंसान अपनी ही लाइफ में अपने लिए खुद खाई खोदते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा, जब आप कितना भी खुश रह लो, दूसरों को दुख देकर कितना भी खुश रह लो, लेकिन आप जब अपने दर्द को दर्द कहते हो ना, और दूसरों के दर्द पर हंसते हो, तो इन परमेश्वर कहता है कि आपको सजा मिलनी ही चाहिए, आपको सजा मिलनी ही चाहिए। जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जैसी नियत रखता है, जैसी सोच रखता है, वैसी ही सोच, वो ऐसा इंसान कभी ये सोच ही नहीं पाता कि उसने किसी के लिए ये सोच नहीं रखी, उसने अपने लिए ऐसा एक खड्डा खोदा है। क्योंकि जब आप किसी को जो देते हो, आप किसी को जो देते हो, वो आपके पास रिटर्न किया जाता है। अगर सामने वाला इंसान हाई पावर में हुआ, अगर सामने वाला इंसान उस लेवल का हुआ, अगर सामने वाला इंसान डिवाइन पर्सन हुआ, डिवाइन नहीं छोड़ते ऐसे लोग, डिवाइन नहीं छोड़ते वो, अपने धूर्त भूत प्रेतों में, अपने टूने टोटकों में भी रह जाता है वो, ऐसा इंसान स्पेल्स में ही रह जाता है, और ये सारे स्पेल्स एक एक करके उनके ऊपर वापस जाते हैं, एक एक करके वापस जाते हैं। जितना जीना है खुशी की जिंदगी जी लो, अगर दर्द दिया है किसी को तो अपने दर्द को अब भूल नहीं पाओगे। ये चीजें क्रिएट होंगी उनकी लाइफ में, ये उनकी लाइफ में क्रिएट होंगी जिन्होंने आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, या आपकी लाइफ में, या आपको किसी भी तरह के हार्मफुल सिचुएशन में पहुंचाने का जिन्होंने जिम्मा अपने सिर लिया ये। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करती हूं कि परमेश्वर उनको माफ करे, उनको अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों का एहसास करवाए, लेकिन उनको माफ करे, वो खुशियों को ही, उनको खुशियां दे। क्योंकि जब आप किसी के लिए जो चाहते हो, और मैं हर इंसान से, देव से या दानव से, सृष्टि से या धरती से, हर इंसान से प्रेम करती हूँ अनकंडीशनल, मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। अगर किसी ने बुरा किया तो उसको भी माफ करें, और हमेशा उसको सच की राह पर चलाए, ताकि वो अपनी अवेकनिंग को आगे बढ़ाए, और ऐसा इंसान अपनी अवेकनिंग में बढ़कर अपनी रोशनी को, अपने अंदर देव तत्व को उत्पन्न करे और सच्चाई का सामना करे। जब वो इंसान ऐसा करता है, तब वो इंसान परमेश्वर का, मतलब अपने आप को पहचान कर, अगर हम उस ऐसी प्योर सोल हैं, तो हम किसी का भी रुख बदल सकते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं आगे बढ़िए, इन सारी चीजों से आगे बढ़िए, ऐसी सारी चीजें आपकी जिंदगी से नष्ट होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं, खत्म हैं। रिलीज रिलीज रिलीज, अच्छे कर्म करते जाइए और बिना फल के करते जाइए। बिल्कुल भी मत सोचिए आपको क्या अच्छा मिलना है कि नहीं मिलना, बिना उम्मीद के आगे बढ़िए, जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा।
बहुत ही अच्छा होगा। जिस भी तरह की सिचुएशन में स्टक हैं आप, आपको लाइफ के कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो बेझिझक आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। डिवाइन आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अपनी सच्चाइयों पर फेथ कीजिए, अपने अच्छाइयों पर फेथ कीजिए और उस डिवाइन का, उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने हमेशा आपकी लाइफ में अच्छाई को देखकर आपके साथ हमेशा ही जस्टिस कीजिए किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें छुपी हुई सब बाहर निकलेंगी, सब बाहर निकलेंगी। देखा, ये कार्ड नहीं होते, ये कार्ड इसी तरह से बेवजह से किसी के हाथ में नहीं आते हैं। लोग कहने में ये कह सकते हैं कि ये कार्ड्स हैं, ये क्या है, बस इनको उल्ट पलट किया और कार्ड निकाला और बोलते गए, ऐसा नहीं है। ये कार्ड उन्हीं के हाथ में आते हैं जिन्होंने लाइफ के उस सच को एक्सेप्ट किया होता है, उस सच्चाई से खुद को उजागर किया होता है, ऐसे थपेड़े जिंदगी के खाए होते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। देखा, डिवाइन ने उसी टाइम से नगाड़े बजा दिए। बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत सारे नगाड़े बज रहे हैं, एकदम से अचानक से ढोल बजने लग गए क्योंकि डिवाइन खुश है। डिवाइन कहते हैं, बेटा ये है आपके लिए, वो सारी चीजें बाहर आएंगी, ये है अंधेरे से बनी हुई चीजें, डर, परेशानी, मन दुख रहा है, अंदर चीजें छुपी हुई हैं। हाई प्रेस्टस, इसको आप अपने पे भी ले सकते हैं। मायूस हैं आप चाहते हैं, आपके मन के अंदर है कि सच का सामना हो, सच आए। यूनिवर्स कहते हैं सच आएगा, आप मेरे बच्चे हो, आपने वही हमेशा किया जो मैंने चाहा, तो सच आएगा। यस यस, सच आएगा और आके रहेगा, जरूर आएगा। वाओ, ये सच आएगा, थर्ड पार्टी का ये सच सामने आने वाला है। झूठ, फ्रेब, अंधेरा, गलत चीजें की हुई, गलत तरीके से की हुई, ओके, गलत तरीके से की हुई, छुपी हुई चीजें, रहस्यमयी, जिसका किसी को नहीं मालूम, वो उजागर होंगी। सूर्य देव हमेशा आगे बढ़कर उस चीज पर रोशनी डालेंगे, उजागर होंगी, मतलब उज्जवल भवि, मतलब अपनी प्योर रोशनी के अंदर कभी भी अंधेरा छुप नहीं सकता। अमावस की जो रात होती है वो भी सूर्य के आ जाने से रोशन हो जाती है, तभी सवेरा हो जाता है। आप कि वो जो थर्ड पार्टी है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनका रहस्य एकदम से सारी चीजों को धीरे धीरे देखना, आप ये चीजें खत्म होंगी, आपके मन की उदासी खत्म होगी, ये सारे रहस्य बाहर आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अच्छा वर्क किया है, यूनिवर्स उनको आने वाले वक्त में ये गिफ्ट देने जा रहे हैं। वाओ, ये गिफ्ट देने जा रहे हैं। मैंने ये कार्ड निकाला नहीं, लेकिन हर कार्ड अपने आप निकला। ये कार्ड नहीं होते, ये आपने आपकी कमाई है, ये डिवाइन कार्ड है, ये बिना वजह से नहीं निकलते। इस कार्ड को अपने हाथ में लेने के लिए जिंदगी के बहुत सारे थपेड़े, बहुत सारे दुख दर्द झेलने पड़ते हैं, जिसके बाद आपको इनाम में ये कार्ड मिलते हैं। ये बिना वजह से आप अपने हाथ में कार्ड नहीं ले सकते, ये एक एनर्जी है। देखिए, आप खुद देखिए, डेविल एनर्जी निकली, ओके? उसके बाद क्या था, हाई प्रेस्टस, छुपी हुई चीजें, रहस्यमय चीजें, सब कुछ ये वो वगैरह, ओके? उसके बाद क्या था, उससे पहले क्या था, द टावर, उसके बाद क्या था, नेचुरली ये चीजें हुई, नेचुरली, ओके? और इसमें यहीं पर ये कार्ड क्यों आया, क्योंकि ये डिवाइन, ये कार्ड हम नहीं निकालते, ये एनर्जीज हैं, एनर्जीज, यहां पर ये चीजें हुई, डेविल, हाई प्रिस्टेस, थर्ड पार्टी, ओके, और क्या था, हाँ, और उसके बाद ये भी था, हाई प्रिस्टेस के बाद क्या था, उजाला, अंधेरे के बाद क्या था, उजाला, डेविल के बाद क्या था, उजाला। वाओ, यहां पर किसने किया, दो लोगों ने मिलकर चीजें खराब की, दो से तीन, आपकी फैमिली के ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन जो मेन मेजर है इन चीजों में, जिन्होंने कुछ गलत किया, वो दो लोग हैं, एक कम उम्र का है, एक ज्यादा उम्र का है, जो भी है, ये दो लेडीज हैं, जो भी हैं,
ये साफ दिख रही है, इनको बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है आने वाली लाइफ में, ये बहुत बड़े टावर मूवमेंट से गुजरेंगे। और ये आपको यूनिवर्स ने ऐसी पावर दी है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं मैनिफेस्ट करूंगी, हम मैनिफेस्ट करेंगे, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, हम मैनिफेस्ट करेंगे कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आप हर किसी को सद्बुद्धि दीजिए, रोशनी में लाइए, सच पे चलने की ताकत दीजिए, सच्चाई से हर चीज का मुकाबला करने की ताकत की दीजिए, झूठ में रहकर झूठी चीजों को, झूठे संबंधों को झूठे तरीके से निभाने से बाहर निकालिए, उनको अच्छी सद्बुद्धि दीजिए। यहां पर ये कम एज की जो भी था, ये कम एज का इंसान है, अल्लड़ बुने में बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, लेकिन ये जाएंगी गॉन, जा रहे हैं ये लोग आपकी लाइफ से, जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी जो भी थी बहुत ही हार्ड, सड़ियल, दुखी, परेशान, मतलब दूसरों को परेशान करने वाली, दुख देने वाली, दूसरों के साथ रूड बिहेव करने वाली, अपनी जिद पर, अपनी जिद जिद से हर चीज मनवाने वाली, हर तरीके से, हार्ड तरीके से हर चीज करवाने वाली, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, ये जाने वाले हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। जिन लोगों ने अपने आप पर बहुत अच्छे तरीके से इनर वर्क किया है, उन लोगों को अब जो मिलेगा, जिन खुशियों का आपका आपको इंतजार है, जहां पर भी हो, जैसे भी हो, खुश हो, अच्छे हो, पर ये आशीर्वाद है आपके लिए परमेश्वर का। अब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए मैनिफेस्ट करें अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे जो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल मायूसी से बाहर आइए, बिल्कुल मायूस ना हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, और जो ईश्वर करता है वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये हो गई थर्ड पार्टी, आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन की सिचुएशन, आपके पर्सन की सिचुएशन ये है कि इस वक्त पर वो लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार आपके साथ चीजें सोच रहे हैं, लेकिन जो आप हैं वो कहीं ना कहीं आपको मायूस भी होते हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चिटिंग हो रही है। फिर आपको अगर थर्ड पार्टी के बारे में आपके मन में कुछ चीजें आ रही हैं, तो थर्ड पार्टी अभी तक तो बहुत प्रसन्न है, खुश है, आपने किए हुए मौज मस्ती में है, लेकिन जो चीजें होंगी वो बहुत ही गलत होने जा रही हैं। आगे आने वाले जो गलत लोग हैं, हमेशा उनके साथ गलत ही होते हैं, वो सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन चीजें आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि जहां पर ईश्वर होते हैं वहां पर देव और दानव कुछ, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना हम, ना तुम, ना कोई। तो यहां पर आपने अपने रूट चक्रा पे काम कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपनी चीजों पर काम कीजिए, स्वच्छता से रहिए। स्वच्छता का मीन्स सिर्फ नहाना नहीं होता, स्वच्छता का मीन्स होता है खुद को अंदरूनी तौर से स्वच्छ करना। कोई आपको क्या कहता है, गलत कहता है, बुरा कहता है, कुछ भी कहता है, हाथ जोड़ दो, मन चुप, शांत हो, भगवान आपको जानता है आप कैसे हो, किस तरीके से हो। इसलिए अपने आप पर फेथ कीजिए, अपनी अपनी काबिलियत पर फेथ कीजिए, आपके साथ जो होगा वो न्याय ही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। हर इंसान के साथ न्याय होता है, चोर के साथ भी न्याय किया जाता है और पुलिस के साथ भी न्याय किया जाता है, जो अच्छा, जितना, जिस तरह से जो दिया है, जिसने जो किया है उसको वही मिलेगा, क्योंकि वही न्याय है इंसानियत के लिए, ईश्वर का। जब आप जिसको जो देते हो, दुख देते हो आपको दुख मिलेगा, सुख देते हो आपको सुख मिलेगा, आपने किसी के पैसा चुराया आपका ऐसा कोई चुरा के चला जाएगा, आपने किसी को किसी के साथ फ्रॉड किया है आपके साथ फ्रॉड होगा, सब कुछ होता है। लेकिन नहीं होता तो क्या नहीं होता, गलत नहीं होता किसी के साथ। इसलिए आप परेशान मत होइए, यहां पर आप टेंशन मत लीजिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। यहां पर जो जितनी भी राशिज है, अगर आप राशिज जाना चाहते हो तो एरिज, लियो, सैजिटेरियस, टोरस, वीर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये सारे जोड़िए साइन वालों के लिए है ये। और आई होप कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, नहीं मिले होंगे तो कोई ना कोई एक क्वेश्चंस आपका सोल्व हुआ होगा, आपसे रेजोनेट हुआ होगा। अभी हम देख लेते हैं, काफी लोगों की डिमांड थी, मतलब काफी लोगों ने पूछा था कि हमारा बिजनेस बिजनेस के बारे में आप जानना चाहते थे, तो मैं आपको एक जो चैनलिंग मेरे को डाउनलोडिंग हो रही है वो ये है कि आप अपने बिजनेस को लेकर जितने भी परेशान हैं, टेंशन में हैं, आप अपने अंदर अपने आप को एनालाइज कीजिए, आपने क्या किया, कहां पर आपकी कोई गलती है, कुछ चीजें गलत हुई हैं क्या, आपने पिछले टाइम पर कुछ चीजें गलत की हैं, या फिर अगर नहीं की हैं तब भी दोनों ही सिचुएशन में आने वाला वक्त
आने वाला टाइम मंथ बाद, 2 मंथ बाद या 4 मंथ बाद वो चीजें इस तरीके से होंगी जो आपके मन मुताबिक होंगी। काफी लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ कि काफी लोगों का घर बनाने का सपना भी पूरा होगा, काफी लोगों की फैमिली में खुशियां आएंगी, काफी लोगों का जो ये सपना था कि वो अपना नया घर बना सके। तो आई होप कि यहाँ पर मुझे वो भी दिख रहा है कि वो अपना नया घर अगर खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन अचानक से उनके साथ बनेगी कि वो चीजें होंगी, वो एंजॉयमेंट, वो लाइफ का जो मौज मस्ती खुशी वो मना पाएंगे। अपने कर्माज को रिलीज कीजिए, जिन भी कर्मा को आपने बनाया है, जिन भी कर्माज को आपने अभी तक रिलीज नहीं किया है, ईश्वर की देन है मनुष्य, और मनुष्य किसका है, सिर्फ ईश्वर का है। अगर आप अपने किसी संबंधों से, अपने रिलेशंस को लेकर किसी वजह से परेशान हैं, दुखी हैं, या आपको लगता है गलत सही, इन इस परिभाषा से अलग हो जाइए। आप कोई गलत सही नहीं होता, हमेशा आप अपने कर्मों को भोगते हो। सही और गलत आपकी आत्मा होती है। आपकी आत्मा अगर सही दिशा में चलती है, मतलब अगर आप उसको सही तरीके से अपने आत्मा को मोड़ देते हो, तो वही मोड़ आपके लिए राइट में सही पाथ होता है। अगर आप अपने आप की रोशनी में नहीं आते, अपने आप को उस ज्ञान में नहीं लेकर आते, तो आपकी आत्मा हमेशा आपको गलत रास्ता दिखाती है, गलत तरीके से चलाती है, आपको हमेशा गलत इंट्यूशंस देती है। अगर आप कोई दो चीजों में जगलिंग कर रहे हो, या आपके माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, इस तरीके से काम बढ़ेगा, इस तरीके से आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो मैं आपको यही कहती हूँ कि यहाँ पर जो कार्ड आए हैं वो है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कोई भी चीज आपके माइंड में चल रही है, कुछ भी आप करना चाहते हो, कोई बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो, कुछ न्यू करना चाहते हो, तो उस पर एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ोगे, उस पर एक्शन लोगे और अपने माइंड से बाहर निकलोगे। अपने माइंड से बाहर निकलो और उस पर एक्शन लो। माइंड में सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता जब तक आप एक्शन नहीं लेते। अगर आप एक्शन लोगे तो वो चीजें आगे चलकर, आपका बिजनेस है जो, वो आगे रफ्तार पकड़ेगा। आगे अगर आप उस पर कुछ करते हो तो आपको ये आपका जस्टिस है। अगर अपनी अबंडेंस के लिए आप आगे कुछ करना चाहते हो तो आपको मिलेंगी, हर चीज दी जाएगी। डिवाइन कहते हैं आपकी सच्ची मेहनत, आपके सच्चे जो आपने अपनी लाइफ में जो सच्चाई कमाई है, अपने सच्चे दिल से अपने चीजें कमाई हैं, तो ये क्या है, ये है फायर एनर्जी। फायर मीन्स जो आपकी लाइफ को और भी तेजी से मटेरियलिस्टिक लाइफ में भगा के लेके जाती है। और आप अगर इसे चाहें तो इसे शनि देव का आशीर्वाद भी कह सकते हैं। शनि देव जी अब आपको जो देंगे, आपके कर्म फल दाता, आपके कर्मों के हिसाब से आपको बहुत कुछ मिलेगा, मिलेगा, यस मिलेगा। यहां पर डेविल एनर्जी काम कर रही है, किसी के बिजनेस को नजर लगी हुई है बहुत ज्यादा। यहाँ पर किसी के बिजनेस को, किसी की अबंडेंस को नजर लगी हुई है, नजर उतारने की जरूरत है। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसी इंसान ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है, लेकिन इस वक्त पर कुछ चीजों की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में जो जितनी मेहनत उन्होंने की है उसका उतना फल नहीं मिला। तो नजर लगी हुई है, नजर उतारिए। कुछ डेविल एनर्जी, काफी लोग जैसे कह देते हैं नजर रखना, नजर लगाना कि हाय इसके पास तो ये है, क्योंकि आई थिंक शायद आप इस तरीके की पर्सनैलिटी में, आप हाई फाई लेवल में रहते हो, आपको आप देखने में द एम्प्रेंस, जिसके पास हर चीज है, हर खुशी है, हर सब कुछ है, तो आप लोगों के सामने जिस तरीके से आप अपने आप को दिखाते हो तो लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं और हैरान होते हैं आपकी की हुई चीजों पर, आपकी मेहनत पर, आपके अबंडेंस पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, हर चीज पर बातें होती हैं पीछे, पीठ पीछे। जो लोग आपको देखकर सामने से खुश होते हैं, हाँ अच्छा है ये वो वगैरह, लेकिन आपको नजर लगाते हैं, आपके रिश्तों में नजर लगाते हैं। यहां पर फिर दोबारा से ऐसा कार्ड आया है, वाव, बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर है। आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, लेकिन आप अपनी अंदर की जो सच्चाई है उसको समझ नहीं रहे हो।
आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो, इसीलिए ये डेविल एनर्जी आप पर काम कर रही है। आप वीक पड़ रहे हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, देखने में बहुत ही खूबसूरत सुंदर एक अलग पर्सनैलिटी देखते होगे, लेकिन आप किसी गलत संगत में या आपके आसपास की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डेविल है, मतलब कुछ ऐसी अजीब सी एनर्जी जिसके अंदर, जिसके मोह माया में फंस कर आप चीजों को देख नहीं पा रहे और वही चीजें आप पर वर्क कर रही हैं, आपके बिजनेस को रोक रही हैं, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए आपको कहा जाता है कि अपना पैसा संभाल के रखिए, अपने आप को संभाल के रखिए, अपनी मायूसी को छोड़िए और अपने आप पर काम कीजिए, लोगों को छोड़ दीजिए। इस वक्त पर आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए, ऐसे लोगों से अलग कीजिए। आपको जो भी मिलेगा बेस्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। आई होप कि मैं आगे भी आपको आपके मुताबिक आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाऊं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।